इस गर्मी में तापमान बढ़ने के साथ मध्य रेल नागपुर मंडल 5 अपने यात्रियों की भलाई और आराम सुनिश्चित करने के लिए जलयोजन के महत्वपूर्ण महत्व को पहचानते हुए विशेष रूप से चिलचिलाती गर्मी के महीने के दौरान रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 और 5 में नया वाटर कूलर स्थापित किया गया है। बढ़ते तापमान के चलते शहर में भीषण गर्मी का प्रकोप है, जिसके चलते रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों की भलाई और आराम सुनिश्चित करने की दृष्टि से रेलवे विभाग द्वारा एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जहां प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 एवं 5 पर एक नया वाटर कूलर लगाया गया है। इस गर्मी में तापमान बढ़ने के साथ मध्य रेल नागपुर मंडल ने अपने यात्रियों की भलाई और आराम सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के प्रति प्रतिबद्ध है। जलयोजन के महत्वपूर्ण महत्व को पहचानते हुए विशेष रूप से चिलचिलाती गर्मी के महीने के दौरान रेलवे ने स्टेशन परिसर और चलती ट्रेन दोनों में यात्रियों को पीने के लिए पानी आपूर्ति करने के अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। यात्रियों की जलयोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सक्रिय कदम के रूप में नागपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 4-5 पर एक नया वाटर कूलर स्थापित किया गया। यह पहल रायसुनी फाउंडेशन नागपुर के उदार दान का परिणाम है, जिसके स्थापना लागत को पूरा तरह से वित्त पोषित किया है। कूलर का उद्घाटन रेल यात्री बाबूराव देशमुख, आमला एवं श्रीमती प्रेमलता इंगड़े नरखेड़ द्वारा किया गया। इस अवसर पर अमन मित्तल, वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक KL कुशराम, स्टेशन निदेशक नागपुर अनिल गवले, जनसंपर्क अधिकारी अमित गंधारे, निदेशक जनसंपर्क रायसुनी समूह और कर्मचारी उपस्थित थे। बहुत अच्छी पहल है और गर्मी तो पड़ी रही है और पानी की आवश्यकता सबको होती है, तो इसी संदर्भ में हमने हर प्लेटफॉर्म पे वाटर कूलर और वाटर वेंडिंग मशीन्स की व्यवस्था की है, ताकि कम दरों पर और मुफ्त में भी कई जगहों पर हम पानी उपलब्ध करा रहे हैं, एक बेसिक एमिनिटी है। इसके अलावा हमने मिस्ट कूलिंग सिस्टम की व्यवस्था की है, नागपुर स्टेशन में प्लेटफॉर्म 1, 2 और 3 पर लगा है, और इसके अलावा नागपुर मंडल में अन्य स्टेशनों पर जैसे बलारसा, चंद्रपुर, वर्धा, सेवाग्राम, इन स्टेशनों पे भी करने का हमारा प्लान है, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि इस गर्मी में कर लेंगे। अभी हमारा जो डेवलपमेंट का काम है, नागपुर स्टेशन भी रीडेवलप हो रहा है, RLDA कर रहा है इसको। इसके अलावा अजनी स्टेशन हो रहा है, 2 महत्वपूर्ण काम है। इसकी काम जो है, जो हमारा टाइमलाइन है, उसके हिसाब से ही चल रहा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर 2025 तक हम लोग कार्य पूर्ण कर पाएंगे। इसके अलावा 15 अमृत भारत स्टेशन के भी कार्य चल रहे हैं, तो वो भी गतिमान है। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।